हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर गणेश कुमार। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने लैपलास नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, और उस चैप्टर में अपन ने कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं, सब फार्मूलाज अपन ने डिस्कस करे थे, उनका प्रूफ के साथ मैंने आपको लिख के दिए बेटा। आज अपन उस फार्मूलाज के बेस पे कुछ एक्स्ट्रा वाले प्रॉब्लम्स करेंगे जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत टाइम पूछे गए हैं, मतलब इस बार भी आ सकते हैं। उस वही आएंगे तो बता नहीं सकते, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बेटा, इसीलिए अपना रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, जो लैपलास के कुछ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन अपन जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं बेटा, वो सब के सब फॉर्मूले आपको आने बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया आपने अभी तक, तो प्लीज कृपया उसे याद कर ले, ठीक है। और अगर देखो क्या है ना बेटा, सबका सब जो खेल है पूरा लैपलास का, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। ये सब कुछ फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से होंगे, आपको मेथड अच्छे से पता होंगे, तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क ले सकते हो बेटा। इजी चैप्टर है, इजी पॉइंट है बेटा। मतलब अगर लैपलास का कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो, आज का अपना लेक्चर नंबर थर्ड है बेटा। लेक्चर नंबर टू और वन में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे, उनके प्रूफ देखे थे। तो आज के क्लास में अपन क्या करेंगे, उसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आपने अगर देखा होगा तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, एक बात याद रखना बेटा, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको कहीं पे भी कोई पावर का फार्मूला लिख के नहीं दिया। मैं जैसे कि बेटा अपन ने टी रेस टू पावर यन अगर एक फार्मूला अगर छोड़ा, तो उसके अलावा मैंने आपको कहीं पे कुछ भी पावर का फार्मूला लिख के नहीं दिया। अगर लैपलास के किसी भी क्वेश्चन में, अगर लैपलास के किसी भी क्वेश्चंस में बेटा साइन का पावर टू आता है, साइन का पावर थ्री आता है, फोर आता है, फिफ्थ आता है, मतलब ऐसे अगर पावर के फार्मूले आते हैं, मतलब पावर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ साइन ही नहीं बेटा, उसके जगह पे कॉस भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। देखो, अगर मेरे पास साइन स्क्वेयर थीटा है, इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बेटा। क्या होता है पता है क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये इसका फार्मूला है बेटा। इसके अपॉन में 2 आता, मतलब देखो बेटा ये जो मेरे पास जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पे कौन है, थीटा है, इसका यहाँ पे देखो बेटा डबल हो रहा है, आपको डबल होते हुए दिख रहा है। ये सिंगल थीटा है, यहाँ पे डबल थीटा होते हुए आपको दिख रहा है बेटा। तो इस तरह से ये फार्मूला क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इस तरह से इसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बेटा। उसी प्रकार से अगर आपने देखा, तो अगर मेरे पास कॉस स्क्वेयर थीटा रहा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसके अपॉन में इसको 2 लिखते बेटा, ठीक है। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस तरह से इन्हें क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है बेटा, तो आज के पूरे फॉर्मूलाज क्या, मतलब जो क्वेश्चन है आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इस चैनल की लिंक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी मुझे हेल्प मिलेगी, इतना मैं आपके लिए तो काम करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो चलो आगे जाएंगे बेटा। क्या है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द लैपलास ऑफ, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बेटा आपको ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड द लैपलास, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है बेटा आपको, देखो लैपलास दिया है, ठीक है, साइन स्क्वेयर दिया है, और बेटा यहाँ पे 3t दिया है। इसका लैपलास अपन को क्या करने का, फाइंड आउट करने का। सबसे पहले आपने जितने भी फॉर्मूले देखे लैपलास को एक बार देख लो बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वेयर का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। और यहाँ पर जो बेटा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के साथ इसको अगर कंपेरिजन करूं बेटा, तो देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 3t है बेटा मेरे पास। मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पे अगर आपने देखा, तो हियर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, 3t है। तो देखो इसके हिसाब से अपने को खेलना पड़ेगा बेटा आगे, ठीक है ना। तो क्या दिया है देखो बेटा, तो मेरे पास ऐसी वैल्यू है लैपलास ऑफ क्या है बेटा, साइन स्क्वेयर, यहाँ पे 3t है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू है। तो अगर मैंने देखा, तो इसको अपन क्या करेंगे बेटा, फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो लैपलास ऑफ इसको क्या लिखेंगे बेटा अपन, 1 साइन के साथ कौन आता है बेटा, माइनस आता है कॉस 2 थीटा। थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितने बेटा अपने पास, देखो इससे पहले देखो ये फार्मूला का 2 यहाँ पे लिखना जरूरी है बेटा। पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अपन 3t, और इसके अपॉन में आएगा बेटा 2।
देखो इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं अपन, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। तो आगे देखो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, और लिखेंगे, देखो ये टू है बेटा, तो इस टू को एक बार अपने क्या करेंगे, कोफ्ते के बाहर निकाल लेंगे इसको, ठीक है। तो आराम से इसको बाहर निकाल लो बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन बाय टू आएगा। लैपलास ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, वन माइनस कॉस टू इंटू थ्री, मतलब इसका आंसर मुझे 630 मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा मुझे इसका आंसर, 60 मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, ये लैपलास इसको प्रसाद की तरह बांट दो, ये लैपलास वन को बांट दो और ये लैपलास इसको बांट दो बेटा। तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, बोलो जल्दी से। यहाँ पे मुझे वैल्यू ऐसी मिलेगी बेटा, यहाँ पे जो मिलने वाली वैल्यू ऐसी मिलेगी, वन बाय टू लैपलास ऑफ वन आएगा माइनस लैपलास ऑफ कॉस 680 आएगा बेटा, ठीक है। तो आपको एक बात पता है बेटा, क्या पता है आपको मुझे बताओ, आपको एक बात पता होनी चाहिए। मतलब देखो लैपलास के फार्मूलाज आपको याद है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरा ये कर्तव्य है बेटा कि आपको फार्मूला भी बता दिया जाए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, लैपलास ऑफ वन इसकी वैल्यू आपको पता है बेटा, लैपलास ऑफ वन इसकी वैल्यू अपने पास क्या थी बेटा, वन अपॉन एस था। ये हो गया अपना लैपलास ऑफ वन का फार्मूला। उसके बाद देखो बेटा, अपने पास लैपलास ऑफ कॉस, लैपलास ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला आपको पता है बेटा। अगर यहाँ पे कॉस है बेटा, तो यहाँ पे अपन एस लिखते थे, यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर ए स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे प्लस लिखते थे अपन, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे ए लिखा बेटा, मतलब ए का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। देखो बेटा इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे अपने। तो अगर मैं इसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू, वन बाय टू। देखो बेटा लैपलास ऑफ वन का लैपलास क्या मिलता है मुझे बेटा, वन अपॉन एस, बीच में साइन माइनस का है बेटा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यस अपॉन में यस स्क्वेयर प्लस। बेटा देखो यहाँ पे कंपेरिजन के साथ अगर किया मैंने, तो ए यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 6 है बेटा, यहाँ पे ए का स्क्वेयर लिखना पड़ेगा, मतलब ए की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चलो, आगे जाएंगे बेटा, वन अपॉन टू, यहाँ पे आएगा वन अपॉन एस माइनस एस इसके अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है बेटा। उसके बाद में देखो, वन अपॉन टू वन अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करेंगे बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलती बेटा अपन को वैल्यू, वो देख लेंगे अपन एक बार। तो मुझे जो वैल्यू मिलती बेटा, एस इंटू एस मतलब एस का स्क्वायर बचेगा मेरे पास, तो यहाँ पे बचेगा बेटा एस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में माइनस में बचेगा बेटा मेरे पास, माइनस में जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे बेटा मेरे पास, देखो जल्दी से। तो एस स्क्वायर प्लस 36 बच रहा है बेटा ये यहाँ पे। उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बचेगी वैल्यू, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल हो रहा बेटा, तो यहाँ पे देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो वन अपॉन टू क्या बचा बेटा अपने पास, 36 अपॉन में एस एस स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बट एकदम इजी कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ मैं भारी भरकम कैलकुलेशन कुछ तगड़ा काम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो देखो 2 1 2 और 2 18 36, तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिल रही बेटा, 18 अपॉन एस इंटू एस स्क्वेयर प्लस 36, और ये हो गया अपना फाइनल आंसर बेटा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो इस तरह से इसे क्या करेंगे अपन, सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाता है बेटा, ठीक है। तो अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अब जाएंगे अपन अगले वाले क्वेश्चंस पे। अगले वाला क्वेश्चंस क्या दिए वो भी अपन देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। अगला वाला बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है बेटा, लैपलास ऑफ कॉस कॉस स्क्वेयर टी है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था बेटा फार्मूला, देखो एक बार एक नोट में लिख लेंगे, क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके अपॉन में 2 आता है बेटा, ठीक है। लेकिन देखो अगर यहाँ पे कंपेरिजन अगर अपन ने करा, तो टी इज इक्वल टू थीटा है बेटा अपने पास, तो टी की वैल्यू अपन क्या पुटअप करेंगे, थीटा, थीटा की जगह टी पुटअप कर सकते हैं बेटा।
चलो इसके ऊपर डायरेक्टली अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, तो लैपलास ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा मतलब कॉस स्क्वेयर टी की वैल्यू, तो क्या है बेटा अपने पास 1 प्लस कॉस स्क्वेयर टी और इसके अपॉन में 2 आ जाएगा। यहां से 2 लेंगे बेटा अपन ब्रैकेट के बाहर, तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर ले रहे, तो क्या बच रहा है बेटा अपने पास, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वेयर टी बच रहा है बेटा। लैपलास प्रसाद की तरह बांट दो, भी गणेश जी का प्रसाद बांट देंगे अपन इसको, ठीक है। तो क्या मिलेगी वैल्यू, 1/2 लैपलास ऑफ बेटा 1 प्लस लैपलास ऑफ सॉरी बेटा सॉरी सॉरी ये कॉस 2 थीटा है बेटा, यहाँ पे ये कॉस 2 थीटा चाहिए था यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी बेटा, यहाँ पे कॉस 2 चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अपन अगर अपन ने कॉस की वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहा, तो कॉस की वैल्यू अपन क्या करेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो किस तरह से की जाती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है।